आंचलिक जीवन की गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता और कुरूपता को प्रेमचंद के बाद किसी ने सबसे अच्छे तरीके से अपनी कहानी और उपन्यासों में बांधने का कार्य किया तो वो नाम है फणीश्वरनाथ रेणु। तीसरी कसम और मैला आंचल जैसी ऐतिहासिक कृतियों से हिंदी साहित्य को सजाने वाले फणीश्वरनाथ रेणु आज किया जयंती है। पेश है कीर्तिशेष में हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के औराही हिंगना गांव में हुआ था। रेणु भारतीय जनमानस के अद्भुत चितेरे थे। उनकी रचनाओं से ग्रामीण परिवेश जीवंत हो उठता था। इसलिए रेणु को साहित्य जगत में एक बेहद सम्मानित मुकाम हासिल हुआ। रेणु के पिता किसान थे और स्वराज आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता भी। वे खादी पहनते थे, घर में चरखा चलता था। शायद यही कारण रहा कि स्वाधीनता संघर्ष की चेतना रेणु को उनके पारिवारिक माहौल में ही मिल गई और वे बचपन में ही आजादी की लड़ाई से जुड़ गए। उस दौर में रेणु ने आजादी के आंदोलन को लेकर हिंदी साहित्य में अपनी लेखनी से तूफान पैदा कर दिया था। हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखने वाले रेणु की लेखन शैली बेहद सौम्य थी। उनकी लेखन शैली प्रेमचंद से काफी मिलती थी। रेणु को आजादी के बाद का प्रेमचंद कहा जाता है। फणीश्वरनाथ रेणु ने 1936 के आसपास लेखन की शुरुआत की थी, लेकिन वे इस दौर की अपरिपक्व कहानियां थी। इसी बीच उन्होंने पटबाबा नामक पहली परिपक्व कहानी लिखी जो काफी चर्चित रही। वहीं रेणु की दूसरी कहानी पहलवान की ढोलक थी जो साप्ताहिक विश्वमित्र में प्रकाशित हुई थी। रेणु ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने समाज में फैली अशिक्षा, भेदभाव समेत कई मुद्दों को लोगों के सामने रखा। उन्होंने मैला आंचल के माध्यम से दिखाया कि देश की आजादी केवल उन नेताओं ने नहीं दिलाई जिन्हें लोग जानते हैं, बल्कि उसमें तमाम सामान्य लोग भी शामिल रहे। इसके अलावा परती परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड जैसी कृतियों की रचना भी रेणु ने ही की। वहीं हिंदी सिनेमा में रेणु की कहानियों का योगदान रहा। दरअसल फिल्म तीसरी कसम उनकी कहानी पर ही केंद्रित है। रेणु के रचनाक्रम की खासियत यह थी कि उनकी रचनाओं में आंचलिकता का चित्र कुछ ऐसे खींचा होता था कि आप बिना उस अंचल में गए उसकी कल्पना कर सकते हैं। शायद इसलिए उन्हें मैला आंचल के लिए पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। इसी बीच हिंदी साहित्य के अनूठे चितेरे ने 11 अप्रैल 1977 को पटना में अंतिम सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 TV, जयपुर।